हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज चैप्टर 3 शुरू करेंगे। इसका नाम है सेंसेशन एंड परसेप्शन, और इसके अंदर 5 सेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे वो 5 सेंसेस हमें हमारी ब्रेन में परसीव होती है, किस तरीके से मैसेज हमें मिलता है, हम उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं सेंसेस के थ्रू, वो आज इसमें डिस्कस करेंगे। और सेंसेस क्या होते हैं? एक तरह से सिग्नल्स होते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाते हैं, और उस सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली हम अपना बिहेवियर आगे शो करते हैं। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे बताया हुआ है, ये एक बार बता देती हूँ आपको शुरू करने से पहले। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सिनेस्थीट। सिनेस्थीट इज अ पर्सन हु सिनेस्थीट इज अ पर्सन विथ सिनेस्थीशिया। और सिनेस्थीशिया क्या होता है? विच लिटरली मीन्स जॉइंट सेंसेशन। अगर किसी को एक ही सेंसेशन जो है वो दो तरीके से दिख रही है, दो तरीके से फील हो रही हो, तो उसको बोलते हैं सिनेस्थीशिया। एंड पीपल विद दिस कंडीशन आर रेयर, अबाउट 1 in 25,000। बहुत रेयर, बहुत कम लोगों में ये चीज़ पाई गई है। और सिग्नल्स दैट कम फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन सच एज आईज और द ईयर्स गो टू द प्लेसेस इन द ब्रेन दे वरंट ओरिजिनली मीट टू बी। मतलब इसमें क्या होता है, जॉइंट सेंसेशन में आपको जो सुनाई देने वाली चीज़ है वो सिर्फ आपके कानों के सेंस जो ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स के अलावा दूसरी जगह पे भी चली जाती है, जहाँ पे उसका मतलब ही बदल जाता है। एंड उसको फिर उस सिग्नल को आप एक सेंसेशन की जगह दो तीन सेंसेशंस की तरह फील करते हो। सपोज़ आप म्यूज़िक सुन रहे हो, म्यूज़िक क्या चीज़ है? आपकी हियरिंग सेंसेशन है म्यूज़िक। तो आइडियली इसको कहाँ जाना चाहिए? जहाँ पे आपके ईयर्स और उससे रिलेटेड जो आपके न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, ताकि आपको सुनाई पड़े। लेकिन यही चीज़ अगर आपकी विजन वाले न्यूरॉन्स पे भी चली जाती है, तो फिर वो उसमें से कुछ चीज़ें आपको नज़र भी आती हैं, जबकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता है। लेकिन कुछ लोगों को जब सिनेस्थीशिया होता है, तो वो एक ही चीज़ को दो सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से होता है ये आगे डिस्कस करेंगे अभी, कि म्यूज़िक कैसे आप जो चीज़ सुनने वाली है वो दिखाई कैसे दे सकती है, या अगर कोई चीज़ दिखाई देने वाली है तो वो सुनाई कैसे दे सकती है। तो उस अगर किसी को ऐसी जॉइंट सेंसेशंस हो रही हैं, तो उसे बोलते हैं सिनेस्थीशिया, या उस पर्सन को बोलते हैं सिनेस्थीट। सो द ब्रेन वेयर दे वर, जहाँ पे उन्हें नहीं जाना चाहिए सिग्नल्स को वहाँ चले जाते हैं, कॉजिंग दो सिग्नल्स टू बी इंटरप्रेटेड एज मोर देन वन सेंसेशन। तो मतलब उसको हम एक से ज़्यादा सेंसेशन की तरह इंटरप्रेट करते हैं। अ फ्यूजन ऑफ साउंड एंड साइट इज मोस्ट कॉमन। साउंड और साइट का फ्यूजन सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि सुनना और देखने का फ्यूजन मिक्सअप हो जाता है। बट टच, टेस्ट एंड इवन स्मेल कैन एंटर इन टू द मिक्स। और ये बाकी तीन चीज़ों में भी मिक्सअप हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन मिक्सअप होता है जब साउंड और साइट का मिक्सअप हो जाता है। साइट मीन्स देखना। सो आगे इसमें चलते हैं। अब तो हमें कैसे इंफॉर्मेशन परसीव होती है, सेंसेशन होती क्या है? सेंसेशन क्या चीज़ होती है? जो हमें बाहर की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि उन्हें हम देखते हैं, उन्हें हम टच करके चेक करते हैं, देखते हैं, हम उन्हें फील करते हैं। कोई भी चीज़ है, आप उसके बारे में सुनते हो, जब उसके बारे में देखते हो, आप खा के चेक करते हो, तो आप अपनी सारी सेंसेस ही यूज़ करते हो ना इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए अपने आसपास की चीज़ों के बारे में। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके ब्रेन तक जाती है, जहाँ पे जाके उसका एक मीनिंग बनता है। सो व्हाट इज़ अ सेंसेशन? अकर्स व्हेन स्पेशल रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो ये सेंसेशंस को रिसीव करते हैं, अलाउइंग वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ आउटसाइड स्टिमुलाई टू बिकम न्यूट्रल सिग्नल। तो सेंसेशंस क्या करते हैं? सिर्फ सेंसेशन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो वही वाली इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं जो उनके लिए बनी है, बाकी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आउटसाइड स्टिमुलाई सच एज लाइट इनटू न्यूट्रल एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। तो जब हम कोई बाहर के स्टिमुलाई को सेंसेस में चेंज करते हैं, ताकि हम उसे रिसीव कर सकें, न्यूरॉन्स के थ्रू रिसीव कर सकें, उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। बाहर कोई भी चीज़ आपने देखी, स्टिमुलाई का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको बाहर से मिल रही है, या तो वो आपको सुनाई दे रही है, या आपको दिखाई दे रही है, या आप उसको फील कर पा रहे हो, या उसको टेस्ट कर पा रहे हो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होती है आपकी सेंसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन।
और सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। तो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ न्यूरॉन्स। ये स्पेशलाइज न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसेस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए ही बने हुए होते हैं। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स फ्रॉम अदर सेल्स, दीज रिसेप्टर सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाई डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। ये हर तरह के सेल से इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करते हैं, ये सिर्फ सेंसेस के थ्रू ही दी हुई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेप्टर्स इन द आई आर स्टिमुलेटेड बाई लाइट। अब आंखों में जो रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, वो किससे एक्टिवेट होते हैं? लाइट से ही होंगे, वो और किसी चीज़ से नहीं होंगे, क्योंकि वो लाइट को रिसीव करने के लिए ही बने हैं। रिसेप्टर्स इन द ईयर्स आर एक्टिवेटेड बाई वाइब्रेशन। कानों में जो रिसेप्टर्स हैं वो किससे एक्टिव होंगे? जब उनको कानों में वाइब्रेशंस जाएंगी, वाइब्रेशन को जब वो रिसीव करेंगे। टच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाई प्रेशर और टेम्परेचर। टच का जो हमारा सेंसेशन है, रिसेप्टर है, वो किससे स्टिमुलेट होगा? जब उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा या टेम्परेचर में चेंजेस होंगे। ऐसे ही रिसेप्टर है जो टेस्ट का और स्मेल का, वो केमिकल सब्सटेंसेस से। कहने का मतलब ये है कि आपके जो कानों के रिसेप्टर्स हैं वो लाइट से स्टिमुलेट नहीं होंगे, क्योंकि वो लाइट को रिसीव करने के लिए नहीं बने हैं, वो वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए बने हैं। लाइट को रिसीव करने के लिए आईज बनी है, तो वो आईज होंगी जो लाइट से स्टिमुलेट होंगी। ऐसे ही जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी आंखों में स्टिमुलेशन नहीं होगी, आपकी स्किन में स्टिमुलेशन होगी। तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स एक स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं जो हर तरीके की इंफॉर्मेशन से स्टिमुलेट नहीं होते, ये अपने पर्टिकुलर जो इनके लिए जिस चीज़ के लिए बने हैं उसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते टाइम स्टिमुलेट होते हैं। तो ये हो गए सेंसरी रिसेप्टर्स। उसके बाद आते हैं सेंसरी थ्रेशहोल्ड्स। सेंसरी थ्रेशहोल्ड के बारे में हमें अर्नेस्ट वेबर ने बताया था जब इन्होंने एक स्टडी की थी, और उस स्टडी में इन्होंने ये चीज़ बताई थी कि कौन से ऐसे दो स्टिमुलाय हैं जिनके बीच में अगर डिफरेंसेस हों। जैसे सपोज इन्होंने वेट का एग्जांपल दिया था, वेट है, मान लो आपको 5 kg का वेट उठाने के लिए दिया जाए, तो आपको, आपने उठा लिया, आपको लगा कि ठीक है नॉर्मल है, इतना हैवी नहीं है। उसके बाद उसको 5.5 kg किया तो भी आपने उठा लिया, उसको 6 किया तो ठीक है, जब उसको और बढ़ाया 7 तक ले गए तो आपको लगा कि इतना हैवी वेट उठाना जो है उसमें बहुत ताकत लग रही है। तो जितना वेट आपने इजीली उठा लिया और जितना वेट उठाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इन्होंने बताया था कि उसको बोलते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, या शॉर्ट में JND, और डिफरेंस थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हैं। तो मतलब एक स्टिमुलाई और दूसरे स्टिमुलाई के बीच में कितना डिफरेंस कम हो कि आपको डिटेक्ट हो जाए कि अब उससे ज़्यादा होगा तो आपको और ज़्यादा फील होगा उससे ज़्यादा। जे एंड इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलाई एंड इज डिटेक्टेबल 50% ऑफ द टाइम। एक दो स्टिमुलाई के बीच का स्मॉलेस्ट डिफरेंस है। एक एग्जांपल और देके यहाँ पे इन्होंने समझाया हुआ है कि जैसे सपोज आपने एक चाय के कप में 5 teaspoon चीनी डाली है, ठीक है, तब आपको उसका टेस्ट जो है वो एक टीस्पून डाला, 2 teaspoon डाला ठीक लगा, 3 में भी ठीक लगा, 4 में भी और 5 में भी ठीक लगा। लेकिन जैसे आपने छठा चम्मच उसमें डाला तो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, चीनी बहुत ज़्यादा हो गई है, मीठा तेज हो गया। तो इसका मतलब आपका जो नोटिसेबल डिफरेंस था वो क्या था? 5 और 1 के बीच का था, कि 5 teaspoon डाले, उसके बाद जब छठा डाला तो उसमें एकदम से टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो ये जो डिफरेंस आपका आ रहा है 5 और 6 के बीच का, इसको बोलते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, कि यहाँ पे आपने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, ठीक है। सो वेबर्स लॉ सिंपली मीन्स वट एवर द डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलाई माइट बी, इट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। इफ तो यहाँ पे इन्होंने वो कॉफी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मतलब वही के 5 चम्मच कॉफी में चीनी डाली तो नॉर्मल था, जैसे ही छठा चम्मच 1 teaspoon और डाला तो उसमें बहुत ज़्यादा से डिफरेंस आ गया उसके टेस्ट में। तो उसको बोलते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। तो आपकी सेंसेशंस जो आप रिसीव करते हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है पहले स्टिमुलाई और दूसरे स्टिमुलाई के बीच में, उसको बोला जाता है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, मतलब आपने वहाँ नोटिस कर लिया।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टडी थी यहाँ पे जो गुस्टव फेचनर ने की थी. इन्होंने कहा था कि एक एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड भी होता है. एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड का मतलब एक मिनिमम लेवल भी होता है जिसके डालने से हमें सडनली पता चलता है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं. एन एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड इज द लोएस्ट लेवल ऑफ सिमुलेशन दैट अ पर्सन कैन कॉन्शियसली डिटेक्ट 50% ऑफ द टाइम. मतलब अगर जैसे सपोज आप एक रूम में बैठे हैं बहुत दूर, जो इनका एग्जाम्पल है मैं वही आपको समझा रही हूँ. अज्यूमिंग अ वेरी क्वाइट रूम एंड नॉर्मल हियरिंग, हाउ फार अवे कैन समवन सिट एंड यू माइट स्टिल हियर द टिक ऑफ. मतलब आप घर में बैठे हैं और आपके घर में एकदम शांत ही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आप किसी कमरे में बैठे हो, तो कितना दूर आपका दूसरे कमरे की वॉच है, कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए कि आपको उसकी वॉच की सुई जब हिले तो आपको उसकी आवाज़ आए. तो एक मिनिमम जो डिस्टेंस है उस आवाज को सुनने के लिए जितना चाहिए उसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड. मतलब एक मिनिमम लेवल ऑफ अवेयरनेस हो जिससे आपकी सेंसेशंस उसको कैच कर सके, तो उस मिनिमम लेवल को बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड. ओके, स्टिमुलाई दैट आर बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस आर कॉल्ड सब लिमिनल स्टिमुलाई. द वर्ड लिमिन मीन्स थ्रेश होल्ड, सो सब लिमिन मीन्स बिलो द थ्रेश होल्ड. सो अगर आपके थ्रेश होल्ड से कोई चीज़ कम होगी तो आपको फील नहीं होगी, लेकिन उससे ज़्यादा होगी जैसे ही एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड से, सो वो आपको फील हो जाएगी. तो एक वो मिनिमम लिमिट होती है थ्रेश होल्ड, और उससे कम अगर स्टिमुलाई है जो आपको फील ही नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो उसको बोलेंगे सब लिमिनल स्टिमुलाई. मतलब आपके थ्रेशहोल्ड से कम है वो, जो आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो. दीज स्टिमुलाई आर जस्ट स्ट्रांग इनफ टू एक्टिवेट द सेंसरी रिसेप्टर्स बट नॉट स्ट्रांग इनफ फॉर पीपल टू बी कॉन्शियसली अवेयर ऑफ देम. मतलब ये जो सब लिमिनल स्टिमुलाई होते हैं, ये वो स्टिमुलाई होते हैं जो आपके आसपास हो रहे होते हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देते. आपके सेंसेस उसको नोटिस तो कर रहे हैं लेकिन आप कॉन्शियसली उसको सुन नहीं रहे हो. आप कब कॉन्शियसली सुनते हो, कब ध्यान देते हो, जब वो एक थ्रेशहोल्ड लेवल से ऊपर चला जाता है. मैनी पीपल बिलीव दैट दीज स्टिमुलाई एक्ट अपॉन दी अनकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर इन अ प्रोसेस कॉल्ड सबलिमिनल परसेप्शन. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जो सबलिमिनल स्टिमुलाई है ना, ऐसे लोग मानते हैं कि ये जो स्टिमुलाई हैं जिन पे हम ध्यान नहीं भी देते हैं लेकिन वो हमारे सेंसेस को कहीं ना कहीं से रिसीव होते रहते हैं, उसकी वजह से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है. बेशक हमें पता नहीं होता क्योंकि हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करते हैं. इन एफर्ट इन दिस एफर्ट रिसर्चर्स हैव यूज इवेंट. आपको ये अगर याद हो, ब्रेन स्ट्रक्चर को स्टडी करने की दो टेक्निक्स जो हमने पढ़ी थी, एक थी इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल ईआरपी और एक थी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एफएमआरआई. तो ये कह रहे हैं कि सब लिमिनल परसेप्शन से अगर हमारे अंदर कोई चेंजेस आते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं, तो उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये दोनों टेक्निक्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं. क्योंकि वो आप कॉन्शियस होते नहीं हो, आपको अवेयरनेस नहीं होती, तो आप एक बिहेवियर में देखना बड़ा मुश्किल होता है कि उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं. लेकिन क्या वो हमारी सेंसेस को रिसीव हो रही है इन्फॉर्मेशन, वो आप अपनी ब्रेन की एक्टिविटी से चेक कर सकते हो इन टेक्निक्स को यूज़ करके. हमें कौन से रिसीव होते हैं, जो हमें पता होता है कि हमें सेंसेशन रिसीव हो रहे हैं जब वो थ्रेशहोल्ड लिमिट से ऊपर हो जाए. तो however in about every other case there are subliminal perception has reportedly occurred. These studies use stimuli that are supraliminal above the threshold and detectable by our sensory systems. However they are below the level of conscious perception and participants are not aware or conscious that they have been exposed to stimuli due to masking or manipulation of attention. सो जो ये स्टडी की जाती है सब लिमिनल परसेप्शन की, चेक करने के लिए क्या इसकी वजह से हमारे ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है, तो इसमें वो सुपरा लिमिनल सेंसेशंस यूज करते हैं. सुपरा का मतलब है थ्रेशोल्ड से ऊपर. थ्रेशोल्ड से ऊपर का मतलब ऐसा सेंसेस जो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाए, जिनको हम नोट कर सके.
तो ये देखा जाता है कि सब लिमिनल परसेप्शन से हमारे ब्रेन में चेंजेस आते हैं, कि फिर सुप्रा लिमिनल मतलब थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर हो जाए तो क्या चेंजेस आते हैं। पार्टिसिपेंट्स को ये चीज़ नहीं बताई जाती है कि कब उनको सुप्रा लिमिनल सेंसेशन पे एक्सपोज कर रहे हैं, कब उनको सब लिमिनल कर रहे हैं, उनको ये चीज़ नहीं बताई जाती। उनको अनअवेयर रखते हुए ही खाली एक्टिविटी ब्रेन में क्या हो रही है ये चीज़ नोट की जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे थ्रेश होल्ड के, जैसे साइट का है, अगर हम आँखों की सेंसेशंस की बात करें, जब हम देखते हैं तो अ कैंडल फ्लेम एट 30 miles ऑन अ क्लियर डार्क नाइट। अगर क्लियर डार्क नाइट है, रात में क्लियर है एकदम, कोई पॉल्यूशन नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल साफ है रात, और 30 miles पे कोई कैंडल जल रही हो, तो क्या वो हमारी आंखों को नजर आएगी? तो ये कह रहे हैं कि वो एक एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड का एग्जांपल है कि उतना दूर एक कैंडल होगी तो हमारी आंखें उसको डिटेक्ट कर लेंगी, अगर उससे दूर हो जाएगी तो वो सबलिमिनल मतलब उसके बाद हमारी हम अवेयरनेस नहीं होगी हमें कि वहां पे कुछ है। हियरिंग में क्या होता है, द टिक ऑफ अ वॉच 20 feet अवे इन अ क्वाइट रूम। अगर किसी क्वाइट रूम में 20 feet दूर कोई वॉच रखी है तो हमारे को वो सुनाई देगी कॉन्शियसली, मतलब हम बता सकते हैं कि हम सुन पा रहे हैं। उससे दूर हो जाएगा तो वो थ्रेशहोल्ड से नीचे हो जाएगा, तो हम कॉन्शियसली ये चीज़ नहीं बोल पाएंगे कि हमें सुनाई दे रही है आवाज़। ऐसे ही स्मेल में क्या है, वन ड्रॉप ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज थ्रू आउट अ 3-room apartment। 3-room apartment है कोई, 3-3 room का घर है किसी का, और वहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ परफ्यूम है, परफ्यूम की एक बूंद है जो पूरे इसमें फैल गई है, तो अगर उस तरह की एक बूंद भी होगी तो 3 rooms में फैलने से वो हमारे थ्रेशहोल्ड पे पहुंच जाएगी कि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे परफ्यूम की कोई स्मेल आ रही है। ऐसे ही टेस्ट में 1 teaspoon ऑफ शुगर इन 2 gallons ऑफ वाटर, मतलब 2 gallon वाटर लोगे, अगर उसमें 1 चम्मच शुगर डालोगे तो थ्रेशहोल्ड होगा, मतलब हल्का सा आप उसको आप बता सकते हो कि इसमें कुछ मीठा है, उससे कम होगा तो नहीं बता पाओगे। एंड देन टच में क्या होता है, बीज विंग्स फॉलिंग ऑन द चीक फ्रॉम 1 centimeter अबव। बी है कोई, जैसे बी की विंग है, विंग पंख होते हैं जो, उसके अगर आपके चीक पे गालों पे 1 centimeter ऊपर से गिरेंगे तो आप उसको फील कर सकते हो कॉन्शियसली, मतलब बता सकते हो। तो ये एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड की, कि इतने चीज़ें हैं जो इससे नीचे अगर होगा तो हम कॉन्शियसली नहीं बता पाएंगे कि हम उन्हें फील कर पा रहे हैं, लेकिन इतना होगा तो हम बता सकते हैं। उसके बाद हैबिचुएशन एंड सेंसरी अडेप्टेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टिमुलाय हैं जो बार बार मतलब हमारे रेगुलरली हम देखते हैं चेंज होते हुए। जैसे सपोज इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं कि इन्होंने बोला है अगर आपके रूम में एयर कंडीशनर चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है, रेगुलर आवाज़ आ रही है 2-3 घंटे से, तो आप उससे डिस्टर्ब नहीं होते कभी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैबिचुएशन हो जाती है, बेशक वो स्टिमुलाय आपके कानों पे आ रहा है लेकिन वो इतना रेगुलर आ रहा है कि आप उससे डिस्टर्ब होना बंद हो गए हो, अब आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप उसको इग्नोर कर देते हो। तो जब कोई सेंसेशन रेगुलर और बार बार होती है तो हम उससे हमें हमारी हैबिट हो जाती है, हमारी सेंसेस को हैबिचुएशन हो जाती है, तो हम उससे डिस्टर्ब नहीं होते, उससे स्टिमुलेट नहीं होते। सो इट इज सेइंग द ब्रेन इज ओनली इंटरेस्टेड इन चेंजेस इन इंफॉर्मेशन। ब्रेन जो है ना, जब इंफॉर्मेशन चेंज होती है तब उसमें इंटरेस्ट लेता है। जैसे सपोज आप अपने रूम में डेली अपने घर में रहते हो, सेम रोज सब कुछ सेम है रोज, तो आप ध्यान नहीं देते। सडनली अगर कोई चीज़ वहाँ से मिस हो जाए जो वहाँ पे रोज होती है तो आप उस पर ध्यान देते हो, तो दैट मीन्स अगर कोई चेंज होता है तो आपका ब्रेन उस चीज़ को उसमें इंटरेस्ट लेता है। अगर कोई चीज़ रेगुलर चलती है, रेगुलर दिखती है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। जैसे ही वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं तो आपका जो दिमाग है एकदम से उस पर ध्यान देता है। सो तभी इसमें बोला हुआ है कि जैसे एयर कंडीशन चल रहा है रेगुलर तो आप उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सडनली अगर बंद हो जाए चलते चलते आवाज़ तो आपका ध्यान जाता है कि आवाज़ बंद हो गई है। ऐसे ही क्लास में क्वाइटली आप बैठे हुए हो लेकिन सडनली कोई आवाज़ कर दे तो आपका ध्यान जाता है उसमें, जबकि आप बहुत सारी चीज़ें आसपास सुन रहे होते हो लेकिन उस टाइम पे सडनली अगर कोई जब बड़ा चेंज हो जाए तो आपका ध्यान उधर जाता है। तो उसको इस चीज़ को बोलते हैं हैबिचुएशन, जब हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते जो रेगुलरली हो रही हैं।
उसके बाद एक और वर्ड है यहाँ पे, सेंसरी अडेप्टेशन। सेंसरी अडेप्टेशन का मतलब ये है कि अनदर प्रोसेस विथ कॉन्स्टेंट अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू बी इफेक्टिवली इग्नोर। इसमें ये कह रहा है कि हम लोग अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं। अभी हैबिचुएशन से कैसे डिफरेंट है? इन हैबिचुएशन द सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्टिल रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलेशन बट एट लोअर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन आर नॉट सेंडिंग द सिग्नल्स फ्रॉम दोज रिसेप्टर्स टू द कॉर्टेक्स। हैबिचुएशन में क्या होता है, हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स सुन रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, लेकिन वो कॉर्टेक्स तक नहीं भेजते। अब सेंसरी अडेप्टेशन में क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ सेंसरी अडेप्टेशन डिफर्स बिकॉज रिसेप्टर सेल्स देमसेल्फ बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू अनचेंजिंग स्टिमुलाई। सेंसरी अडेप्टेशन में क्या होता है, हमारे रिसेप्टर सेल्स ही खुद ही रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, मतलब वो रिसीव ही नहीं करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना ही कम कर देते हैं। हैबिचुएशन में रिसेप्टर्स रिसीव कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो ब्रेन के पास भेजते हैं तो ब्रेन ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता, वो होती है हैबिचुएशन। सेंसरी अडेप्टेशन का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन रिसीव ही कम हो रही है क्योंकि सेंसरी रिसेप्टर्स ही उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। वो हो गया सेंसरी अडेप्टेशन। हमारे रिसेप्टर्स उस चीज़ पर रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं, जैसे गार्बेज ऑर्डर्स इंक्लूडेड। अब जैसे सपोज आप किसी रूम में गए, आपको घुसते ही लगा कि यहाँ पे कोई अजीब सी स्मेल आ रही है, लेकिन आप वहाँ बहुत देर तक बैठे रहे तो धीरे धीरे आपको वो स्मेल आनी बंद हो जाती है। तो वो होता है सेंसरी अडाप्टेशन कि आपके सेंसेस ने उसको फिर रिस्पॉन्स देना ही बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वेन यू ईट द फूड दैट यू पुट इन योर माउथ टेस्ट रॉन्ग एट फर्स्ट बट यू कीप ईटिंग द सेम थिंग द टेस्ट जस्ट फिट। मतलब वो खाने के बारे में भी बोल रहे हैं कि जैसे आप कोई चीज़ पहली बार खाते हो तो पहली बार में आपको फूड सडनली उसका टेस्ट बहुत तेज लगता है, कि जब आप उसको खाते रहते हो तो धीरे 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 आपकी जो टंग है उस पर अडाप्ट कर लेती है, आपकी सेंसेशन जो है टंग वाली वो अडाप्ट कर लेती है, तो आपको उसका टेस्ट इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता। एंड देन आँखों का भी इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है कि इफ़ यू स्टेर एट समथिंग लॉन्ग इनफ इट वुड ऑल्सो डिसअपियर्स बट द आईज आर लिटल डिफरेंट इवन दो द सेंसरी रिसेप्टर्स इन द बैक ऑफ द आईज अडैप्ट टू बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू अ कॉन्स्टेंट सिग्नल। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि आईज के साथ भी यही होता है कि जो चीज़ आप रेगुलर देखते हो, कॉन्स्टेंटली अगर आप एक चीज़ पे देख रहे हो तो कुछ टाइम बाद आपका ध्यान उस पर जाना बंद हो जाता है, लेकिन आपकी आईज के अंदर फिर भी मूवमेंट होती रहती है। थोड़ा सा यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आईज का जो है ना वो थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट है क्योंकि आईज के अंदर मूवमेंट होती रहती है जिनको हम माइक्रो सेकेंड्स और सेकेंडिक मूवमेंट्स बोलते हैं, जो हमारे आईज में मूवमेंट्स चलती रहती हैं जो हम लोग कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते हैं। दीज मूवमेंट कीप्स आईज फ्रॉम अडेप्ट। इससे क्या होता है कि हमारी जो आंखें हैं ना वो नहीं होती, मतलब चीज़ें देखना बंद नहीं कर देती। अदरवाइज तो क्या होगा, जैसे हमें स्मेल आनी बंद हो जाती है, ऐसे अगर हमारी आईज भी टोटली अडेप्ट कर जाएंगी तो हमें चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी जो चीज़ें बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रही। तो इसलिए हमारी आईज में थोड़ी बहुत मूवमेंट चलती ही रहती है जिसको माइक्रो सेकेंड्स बोलते हैं, ताकि टोटली ब्लाइंड ना हो जाए हम उन चीज़ों से जिसपे हमारे सेंसेस जो है रिस्पॉन्स करना बंद कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है। तो यहाँ पे ये आपका सेंसेशन का स्टार्टिंग वाला पार्ट खत्म होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, सेंसेशन प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन फॉर द फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंटर्स द ब्रेन एंड रिलेटेड टू एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स। जो हमारे सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फिजिकल स्टिमुलाई में चेंजेस होते हैं तो हमें पता चलता है, सेंसरी रिसेप्टर्स उन्हें रिसीव करते हैं और समटाइम्स उन्हें इग्नोर कर देते हैं सेंसरी अडेप्टेशन के थ्रू या हैबिचुएशन के थ्रू। और इसको ख़त्म करने से पहले इसका क्विज भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलाई कैन बी डिटेक्टिव 50% ऑफ द टाइम इज प्रेजेंट। मतलब दो स्टिमुलाई के बीच में डिफरेंसेस हैं जो हमें जो डिटेक्ट कर सकते हैं हम, कि पहले बहुत कम था और दूसरा फिर से करा तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं। तो जैसे डिफरेंस से ही आपको नाम पता चल जाना चाहिए, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस की बात कर रहे हैं।
What receptor cells for the senses are activated? The process when receptor cells for the senses are activated, the process called dash has begun. जब आपके receptor cells for the senses are activated, जब senses के receptor cells activate होते हैं तो उस process को क्या बोलते हैं? Simple है, sensation. When you have a piece of candy that you are holding in your mouth, after a while the candy doesn't taste as strong as it did when you first ever. आपने कोई candy खाई जो आपने मुंह में डाली तो बहुत taste उसका strong आ रहा था, धीरे धीरे उसका taste जो है वो कम हो गया. तो इस चीज को आप क्या बोलोगे? हमने अभी अभी पढ़ा था sensory adaptation. While driving down the road looking for a new restaurant you want to try out, not hearing the clicking of the turn signal. You forgot to turn off until one of your friends pointed it out. Likely, ये बोल रहा है कि suddenly आप जैसे drive कर रहे हो, आपने right turn लेना, आपने indicator on कर दिया, तो उसकी आवाज़ आती है indicator की, जब वो on होता है tick 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 आवाज़ करता है, और आपने वो on छोड़ा हुआ, आपको धीरे धीरे वो जो है सुनाई देना बंद हो गया और आपने उसको ऑन छोड़ दिया, और फिर आपको किसी आपके फ्रेंड ने बोला कि इंडिकेटर ऑन है, उसको बंद करना है. तो ये जो आवाज़ आपको धीरे धीरे आने, इसकी जो आवाज़ आ रही थी इसको आपको सुनना कम हो गया, मतलब आपका ध्यान उस पर जाना धीरे धीरे बंद हो गया क्योंकि वो रेगुलर आवाज आ रही थी. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हैबिचुएशन, कि कोई चीज बार बार होती है तो हमें हैबिट पड़ जाती है उसकी, तो हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता. तो ये हो गया हैबिचुएशन. तो ये यहाँ पे खत्म होता है क्विज के साथ. इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.